नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया में आप रहते हैं, आप इंडिया से, आप कोई सी भी कंट्री से, सऊदी अरबिया में बहुत सारे लाखों की संख्या में वर्कर काम करते हैं और मुझे जहां तक लगता है 1 करोड़ से ऊपर वर्कर होंगे भाई सऊदी अरबिया में काम करने वाले, जिसमें ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर या फिर XYZ कोई भी जॉब के बंदे होंगे। जी हाँ, तो उसमें देखिए इंश्योरेंस हर इंसान का होना जरूरी है जी। हालांकि इंडिया में लोग रहते हैं इंश्योरेंस नहीं करवाते, कंपनियां भी वर्करों का इंश्योरेंस नहीं करवाती क्योंकि यहाँ चलता है, लेकिन भाई गल्फ कंट्री है वहां ऐसा नहीं चलता। लेबर लॉ एकदम स्ट्रिक्ट होने की वजह से प्रत्येक वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। जब तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और वो काम कर रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज्यादा कंपनी की बनती है कि अगर उसके ऊपर पता लगता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो उसके ऊपर फाइन आ सकता है, उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कुछ सामने अभी आया है, कुछ 10 से 12 दिसंबर के बीच में इस बात का एक सोल्यूशन निकाला गया, एक ऑनलाइन सर्वे किया गया, उसमें पता लगा कि भाई कितने लोगों की वहां पे इंश्योरेंस है और अगर वर्कर काम करते समय उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, वो मान लीजिए वो मर भी जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, आपको पता है भाई आए दिन ऐसी न्यूज़ देखते रहते हैं, अपने इंडिया के लोगों के साथ भी होती रहती है, तो उस इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि आपको गल्फ कंट्री सऊदी अरबिया से रिलेटेड हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ सिस्टम, जी हाँ हेल्थ इंश्योरेंस, जी हाँ CCHI, जी हाँ साथियों, एक आपको पता है हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें एक सिस्टम बनाया गया, एक रियलिटी में एक ऑनलाइन नंबर देखिए कि भाई लोगों की हम समस्याएं सुनेंगे, इसमें पता लगेगा कि किन लोगों की कितनी समस्याएं हैं। तो मैं बता दूं इसमें लगभग 5 से 6 दिन के अंदर 8,000 कॉल के करीब आए, उसमें से 6,000 कॉल इनकमिंग थे, जी आने वाले 5,000 से ऊपर कॉल थे, फिर लोगों को किए गए कॉल, उसमें इस बात का निर्णय लिया गया, इसमें पता लगा कि भाई 93% लोग सऊदी अरबिया में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड संतुष्ट हैं और 93% यानी लगभग 100 में से 3% कम रहे, 97% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है। जी हाँ, इस दौरान उनसे क्वेश्चन किया गया CCHI से कि भाई अगर मान लीजिए वर्कर कहीं पे काम कर रहा है उस दौरान उसका हादसा हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है, तो सीधी सी बात है भाई ये अगर वो काम कर रहा है उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है तो सरकारी इंश्योरेंस मिलेगी, उसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन वो काम कर रहा है और उसके पास इंश्योरेंस नहीं है और फिर उसकी कुछ हो जाए उसके साथ में तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, तो साफ साफ CCHI ने बोला है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि भाई 100% कंपनी के ओनर की जिम्मेदारी होगी, कंपनी के मालिक की जिम्मेदारी होगी, अगर उसके साथ जो भी हादसा होता है उसका जो खर्च खर्चा हर्जाना होता है वो उसको पे करना होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वर्करों से भाई ये इंश्योरेंस का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है, इंश्योरेंस नहीं है खत्म हो जाती है तो टाइम से पहले कंपनी आपका इंश्योरेंस करवाएगी, लेट सेट हो जाती है तो आप उनसे आगाह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, और बिना इंश्योरेंस काम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिक्कत हो सकती है, कुछ भी नहीं मिलेगा, और इंश्योरेंस में अगर आपके साथ हादसा हो जाता है तो 100% आप मुआवजे के हकदार हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मैंने पहले भी इस पे 2 वीडियो बना चुका हूं, बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।